नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ में। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर प्रदर्शन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। टोल प्लाजा के पास पक्का निर्माण एक हॉल बनाने की कोशिश कर रहे किसान और वहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्माण देखा गया है। कई बार इन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि इस कोरोना वायरस के जंग में जहां पूरा देश परेशान है, वो उसी समय आंदोलन करने का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। नाम सिर्फ किसानों का है, बाकी ये किसानों के रूप में बैठे खालिस्तानी, देशद्रोही और कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो देश में हिंसा भड़काने की और कोरोना फैलाने का ठेका ले रखे हैं, और ये वही कर रहे हैं क्योंकि आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। इसीलिए कुछ लोग इसे काला दिवस के रूप में, किसान आंदोलन में ही इसको काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और वहीं पर कुछ 12 विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, और वहीं पर इन कुछ लोगों के साथ वो भी वही राग अलाप पे नज़र आए हैं जो कि राकेश टिकैत राग अलाप रहे हैं। बता दूं आपको, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी समर्थन में घर पर लगाया काला झंडा। नवजोत सिंह सिद्धू जो हमेशा आप जानते रहते हैं कपिल शर्मा शो में बैठे रहते हैं, अब तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा वहाँ पर बैठकर राजनीति और ऊपर से इधर पलड़ा भारी उधर पलड़ा हरका यही करना उनका काम है। कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी किसकी बुराई। और आपको बता दें कि सिद्धू ने ही राहुल गांधी का नाम पप्पू रखा और तब से ही राहुल गांधी पप्पू हो गए और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही जीते और मरते हैं। बता दूं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हम गांव, शहरों और दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम काली पगड़ी, दुपट्टे या कपड़े पहनकर प्रदर्शन करेंगे। किसान अपनी छतों पर, ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाएंगे और पंजाब के हर गांव और दिल्ली की सीमाओं पर मोदी सरकार के पुतले फूंके जाएंगे। बता दूं केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन पिछले 6 महीनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जब किसान 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर दिल्ली की सीमाओं पर जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान संगठन किसानों के नए काफिले को पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर जाने का अपना रास्ता बना रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में अपने घर पर काला झंडा लगाकर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब आज 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के समर्थन में लोगों को आगे आना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि किसानों की ताकत दिखाने के लिए नहीं करेंगे बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के एक साथ प्रतिमात्मक विरोध करेंगे। यानी कि एक तरफ जहां सरकार इनसे ये कह रही है कि कृपया करके इस वक्त आप आंदोलन मत कीजिए, जैसे ही कोरोना का कुछ असर कम पड़ता है वैसे ही आप आंदोलन कर लीजिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम कोरोना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहे हैं, हम तो और लोगों की मदद कर रहे हैं। आप बताइए कि ये किसकी मदद कर रहे हैं? ये और भी लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, खुद संक्रमित दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं, और वहीं पर लोगों को बुला बुला कर कुछ पैसे देकर उनकी जान भी ले रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन में मौत भी हो रही है। बता दूं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हम गांवों, शहरों और दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम काली पगड़ी, दुपट्टे या कपड़े पहनकर प्रदर्शन करेंगे। किसान अपनी छतों, ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाएंगे और पंजाब के हर गांव और दिल्ली की सीमाओं पर मोदी सरकार के पुतले को जलाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी बात में आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने बड़े स्तर पर किसान आंदोलन किया, लेकिन हमारा ध्यान संख्या पर नहीं, हम सामाजिक दूरी और अन्य कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विरोध करेंगे। अब आप ये बताइए कौन सा ऐसा आंदोलन है जो भीड़ भाड़ में ना हो, वो आंदोलन किया जिसमें ज़्यादा लोग ना हों। और ये लोग तो वैसे भी अभी भी आप गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आप जाकर देखिए, अभी भी वहाँ पर कोरोना का प्रोटोकॉल की धज्जियाँ ही उड़ा रहे हैं। इकट्ठा बैठे हैं सब लोग, एक ही जगह खाना, एक ही जगह पीना और बार बार अलग अलग राज्यों में जाकर भ्रमण करना, ये कोरोना को बढ़ावा नहीं देना तो क्या है?
क्या इस कोरोना के संकट भरे समय और दूसरी लहर के बीच भीड़ का कोई औचित्य है? ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी दिक्कत के बारे में न सोचकर हमें खलनायक के रूप में देख रही है। सरकार को अपने प्रस्ताव को बेहतर करने की ज़रूरत है। किसान सही मांगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बीक्यू के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा कि उन्होंने दूसरी लहर के बीच इसे ना करके आगे बढ़ाने के लिए गांव में बैठकें की थी, लेकिन ग्रामीण धरने पर अड़े थे। कोविड के कारण हम दिल्ली की सीमाओं पर खुले स्थानों पर विरोध कर रहे हैं, जहां हमारी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन सरकार कोविड की आड़ में हमें बदनाम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम कोरोना को लेकर भी चिंतित हैं, जिसके बचने के लिए हम सब नियमित रूप से गरारे करते हैं, भाप लेते हैं, इसके साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं, और यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे अलग कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनके पास हर विरोध स्थल पर डॉक्टर की एक टीम भी है। सुखदेव सिंह ने कहा कि हम सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बीक्यू ने मीडिया प्रभारी बीरपाल सिंह ने कहा कि कई एनजीओ ने अभी सीमाओं पर लगभग 1,00,000 मास्क और 50,000 सैनिटाइज़र बांटे हैं। हम सब टीकाकरण के लिए तैयार हैं। हमारे कई किसानों ने टीके की पहली डोज ले ली है। अखिल भारतीय किसान महासभा के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष प्रेम सिंह गहलोत ने कहा कि किसान पहले से ही सिंधु टिकरी और गाजीपुर में खुले स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम 26 मई को झंडा दिवस मनाएंगे और हमें ऐसा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यानी कि रोज़ाना नए नियम बनाए जा रहे हैं किसान आंदोलन में। सरकार को गिराने की पूरी कोशिश, सरकार विरोधी ही नहीं बल्कि देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, और ये लोग खाली बैठ कर करेंगे क्या? ये लोग राजनीति ही करेंगे और राजनीति ही कर रहे हैं। कभी सरकार के विरुद्ध क्या सोचते हैं, देश के विरुद्ध क्या सोचते हैं, फिर एक समय निश्चित करते हैं, दिन निश्चित करते हैं, और उसी दिन ये हमला बोलते हैं। लेकिन बहुत दिन तक चलने वाला नहीं आंदोलन, क्योंकि कई बार अल्टीमेटम देने के बाद भी अगर नहीं मान रहे हैं तो पुलिस को मजबूरन बलपूर्वक इन्हें वहाँ से हटाना पड़ेगा, बॉर्डर खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस बॉर्डर के आसपास गांव है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है, इस राकेश टिकेश से और इन जैसे किसानों से, क्योंकि ये लोग जाकर गांव में बदतमीज़ी करते हैं, शराब पीते हैं। कई हमने आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा दी है, जिसे आपने देखा भी होगा। अब वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।